भारत અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પહેલા શિવસેના યુબીટીના નેતા સંજય રાઉતે ભાજપ પર બાઉન્સરનો મારો કર્યો હતો. સંજય રાઉતે પાકિસ્તાની ટીમના ભવ્ય સ્વાગતનો વિરોધ કર્યો છે. તેમણે શિવસેનાના સંસ્થાપક બાળાસાહેબ ઠાકરેને યાદ કરીને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેને પણ નિશાન લીધા હતા. क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की वच्चेनी मैच पहला पाकिस्तानी टीम ना जोरदार स्वागत ना वायरल वीडियो पर शिवसेना यूबीटीए आकरी प्रतिक्रिया आपी छे. शिवसेना यूबीटी ना नेता संजय राउते कहू छे कि आ मात्र गुजरात में थई सके छे, जो आऊ कोई अन्य राज्य में थात तो भाजपे हंगामो कर्यो होत. के बर्थडे का केक काट सकते है या पाकिस्तान की टीम आकर गुजरात में उनका इतना भव्य स्वागत हो सकता है, ये सिर्फ इस देश में गुजरात में ही हो सकता है, मोदी और शाह के राज्य में हो सकता है. अगर किसी और राज्य में होता तो ये बीजेपी की जो टोली है ना वो नंगा नाच करती. हमको हिंदुत्व सिखाती, हमको राष्ट्रभक्ति के पाठशाला में बिठाती, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ चलता है. संजय राउते बाबा साहेब ठाकरे नो उल्लेख करीने महाराष्ट्र ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निशाने लीधा हता. तेमने शिंदे पर बाबा साहेब ठाकरे ना सिद्धांतों ने भूलवानो आरोप लगाव्यो छे. लेकिन बाबा साहेब ठाकरे का नाम लेकर सरकार महाराष्ट्र में बैठी और जब राजनीतिक फायदा होता है तो बीजेपी वाले भी बाला साहब का नाम लेते, लेकिन अगर आज बाला साहेब होते ना तो ये लोगों को जूते से मारते. पाकिस्तान का जिस तरह से आपने स्वागत किया है, ग्रैंड वेलकम ऑफ पाकिस्तान इन गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में. गत बे दिवस थी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल थई रह्यो छे. तेमा पाकिस्तानी टीम नु अमदावाद में भव्य स्वागत थयु होवानु जोवा मळी रह्यु छे. आ वीडियो ने लईने सोशल मीडिया पर आकरी टीका थई हती. ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी.